हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के सेकेंड ODI की, जो कि काफ़ी रोमांचक मैच रहा हूँ। आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो टीम इंडिया ने कल टॉस जीतकर श्रीलंका की टीम को बैटिंग के लिए आमंत्रण दिया, और डीके वाला और धनुष का ओपनिंग करने आए, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी, काफ़ी एग्रेसिव शुरुआत दी, खास करके डीके वाला ने, जिन्होंने 21 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके बाद हम बात करें तो फिर जब डीके वाला आउट हुए तो उनका रन रेट गिरता चला गया, बाद में धनुष का भी आउट हो गए, कुशल मेंडिस टिके, उन्होंने 48 बॉल खेली लेकिन आउट हो गए, वो चहल ने उन्हें LBW आउट कर दिया। उसके बाद पुल थरंगा जो कि टीम के कैप्टन थे वो भी जल्दी आउट हो गए, वो तो केवल 7 गेंदे ही उन्होंने खेली और 9 रन बनाए। उसके बाद हम बात करें एंजलो मैथ्यूज, उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटेड किया, उन्होंने 20 रन बनाए और 41 गेंदे खेली और उसके बाद वो आउट हो गए। ये जब अगर आपको शुरुआत मिली तो आपको आगे उसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। बाद में श्रीवर्धना ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, 58 रन बनाए उन्होंने 58 गेंदों में, उनका स्ट्राइक रेट 100 करा, 2 चौके 1 छक्का लगाया। और कप्पू कप्पू गेदरा की बात करें तो उन्होंने भी 40 रन बनाए, 61 गेंदों का सामना किया और उसके बाद तो कोई टिक ही नहीं पाया। तो इस तरह से पूरी टीम 236 पर रन बना पाई 50 ओवर में। और उसके बाद हम बात करें तो टीम इंडिया के बॉलिंग प्रदर्शन की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार को कल कोई विकेट नहीं मिला और वो काफ़ी महंगे भी साबित रहे, उन्होंने 53 रन दे दिए। उसके बाद हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, उन्हें 4 विकेट मिले और उन्होंने 43 रन दिए, और युजवेंद्र चहल ने भी 43 रन दिए और 2 विकेट लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे बॉलिंग करते हुए, उन्होंने 5 ओवर और 2 गेंदे फेंकी और उन्हें 1 विकेट भी मिला। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया, केदार यादव ने 4 ओवर फेंके और 4 गेंदे वो हार्दिक पांड्या के भी फेंकी उन्होंने। तो इस तरह से लेकिन जब फिर इस तरह टीम इंडिया को 236 का टारगेट मिला, लेकिन लकवर 22 में जब इनिंग ब्रेक हुआ तब बारिश आई और उसके कारण थोड़ा खेल में रुकाव आया और फिर टीम इंडिया को लक्ष्य मिला 231 का। तो उसके बाद इंडियन इनिंग ने इंडिया की बैटिंग आई जब, तो रोहित शर्मा और शिखर धवन ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी, रोहित शर्मा काफ़ी जो कि पिछले 6 इनिंगों में यहाँ पर वो केवल कितने 5 या 6 रन बना पाए थे, क्योंकि वो जब मुझे याद है 2012 में यहाँ पर खेलने गए थे, उन्हें 5ों वनडे खेलने मिले थे और वो वहाँ पे 1 2 या मुझे याद है वो 2 या 3 मैच में 0 पर भी आउट हुए थे, और जब यहाँ पर इस सीरीज़ में भी पहले मैच में वो जल्दी आउट हो गए तो उन पर काफ़ी प्रेशर था कि उनके श्रीलंका में रन नहीं बन रहे, लेकिन कल उन्होंने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और 54 रन बनाए। तीन काफ़ी एग्रेसिव खेल रहे थे कल, वो उन्होंने 3 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए। उसके बाद हम बात करें तो शिखर धवन अनफॉर्चुनेट रहे, 49 पे ही आउट हो गए, अपनी 50 नहीं पूरी कर पाए, उन्होंने 50 गेंदों का सामना किया और 6 चौके और 1 छक्का भी लगाया। उसके बाद हम बात करें तो कल टीम में कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंज हुआ, लोकेश राहुल आए 3रे नंबर पर बैटिंग करने, आउट हो गए वो जल्दी, 6 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 4 रन बना पाए। उसके बाद 4थे नंबर पे भी विराट कोहली नहीं आए, केदार यादव आए, उन्होंने 1 रन बनाया केवल। उसके बाद विराट कोहली आए 5वें नंबर पर, वो सिर्फ 2 गेंदों का सामना कर पाए, 1 चौका लगाया और 1 दूसरी गेंद पे आउट हो गए वो। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आए, जिन्होंने कि इस मैच को संभाला पूरी तरह से। उसके बाद जैसे ही विराट कोहली आउट हुए तो हार्दिक पांड्या आए, वो उन क्या हार्दिक पांड्या इतना ख़राब शॉट खेल के आउट हुए कि कुछ समझ नहीं आया उन्हें, 3 गेंदों में वो 0 करके आउट हुए। उसके बाद अक्षर पटेल आए, वो भी जल्दी आउट हो गए, LBW 9 गेंदों में केवल 6 रन बना पाए। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार और MS धोनी की साझेदारी हुई और उसके बाद लेकिन इतने विकेट गिर गए थे तो लग रहा था ये मैच इंडिया हारने वाला है। धनंजय ने कमाल की बॉलिंग की, उन्होंने 1 ओवर में 3 विकेट निकाले, वहाँ से ही पूरा मैच कट, ऐसा लगा कि मैच पूरा श्रीलंका की ओर चला गया है। लेकिन उसके बाद जिस तरह भुवनेश्वर कुमार और MS धोनी ने बैटिंग की, कमाल की इन्होंने साझेदारी दिखाई, MS धोनी को खास करके वो
जब कल मैं देख रहा था कि वो काफ़ी जब क्रीज पर आए थे तो काफ़ी हड़बड़ी कर रहे थे, शॉट जोर जोर से मार रहे थे, जबकि धोनी शॉट एकदम ग्राउंड शॉट भी वो बहुत तेज़ी से बैट घुमा रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे एक दो रन लेने की, काफ़ी हड़बड़ी, मुझे लगा कि ये आउट हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो टिके और उन्हें कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने अच्छी बैटिंग की। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की बात की जाए तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। पहले तो श्रीलंका टीम उन्हें अटैक कर रही थी कि वो कहीं वो दूसरी तरफ से एमएस धोनी टिके रहे और उन्हें दूसरी तरफ से विकेट गिरा जाए, लेकिन मैंने देखा भुवनेश्वर कुमार ने थोड़ी बॉलें खेलने के बाद एक घुटना टेक कर एक छक्का लगाया, कमाल का छक्का था वो। उससे पूरी श्रीलंका टीम एकदम, उन्हें पता चला कि अरे भाई ये भी प्लेयर बैटिंग करने आया है, तो उन्होंने कमाल की बैटिंग की और अंत में उन्होंने 53 ओडीआई करियर की पहली हाफ सेंचुरी भी लगा दी और कमाल की बैटिंग की और उन्होंने 53 रन बनाए, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने एक छक्का और चार चौके लगाए और एमएस धोनी ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया। इसलिए फ्रेंड्स मेरा मानना है कि क्रिकेट में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। आप इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवराज सिंह और एमएस धोनी को अभी भी टीम में होना चाहिए, 2019 का वर्ल्ड कप उन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जब आपको होता है कि ऐसी सिचुएशन में से मैच कैसे निकाला जाए, आप एक्सपीरियंस ही ऐसे कर सकते हैं। किसी नए बल्लेबाज अगर कोई धोनी की जगह होता तो मुझे नहीं लगता कि वो मैच निकाल पाता इंडिया के लिए इस तरह, लेकिन उन्होंने जब थोड़ी उन्हें पता चला कि विकेट गिरते जा रहे तो वो बोले, उन्होंने रोके भी और सिंगल लेने स्ट्राइक रोटेट की, उन्होंने केवल एक चौका लगाया। एमएस धोनी की बात करें नहीं तो वो सभी जानते हो कितने चौके छक्के लगाते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आया और इंडिया ने ये मैच, हारा हुआ मैच मुझे लगता है कि इंडिया ने फिर से जीता और काफ़ी अच्छी, इस मैच में हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और एमएस धोनी काफ़ी अच्छी बैटिंग की और जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अंत में मैं कहूँगा कि ये मैच हम भुवनेश्वर कुमार के वजह से जीते और धोनी के वजह से जीते। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिकेट से अपडेट रहने के लिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।